सारण जिले के एकमा थाना अंतर्गत SH 131 पर अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आने से एक मासूम की मौत हो गई। मृतक की पहचान एकमा थाना क्षेत्र के आमदाड़ी गांव निवासी अमित सिंह के 3 वर्षीय पुत्र आरुष उर्फ डब्बू के रूप में की गई है। बताया जाता है कि वह अपनी दादी और परिवार वालों के अन्य सदस्यों के साथ एकमा रजिस्ट्री कार्यालय के सामने स्थित पैथोलॉजिकल जाँच सेंटर पर गया था, जहां उसकी दादी का ब्लड सैंपल लिया जा रहा था। उसी बीच वह सड़क पर आ गया, जिसके कारण अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आने से उसकी मौके पर मौत हो गई। इस घटना के बाद परिवार वालों में कोहराम मच गया। वहीं स्थानीय लोगों ने चालक को पकड़ पिटाई के बाद पुलिस को सौंप दिया। इस घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। सूचना के बाद एकमा थानाध्यक्ष और रसूलपुर थाना पुलिस भी दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और आक्रोशित लोगों को समझाने बुझाने के बाद मामला शांत हुआ। तब जाकर यातायात बहाल हुआ और शव को कब्जे में लेकर पंचनामा के बाद पोस्टमार्टम के लिए छपरा सदर अस्पताल भेजा गया है। वहीं इस घटना के बाद परिवार वालों में कोहराम मचा हुआ है। रिपोर्ट हलचल न्यूज 24 छपरा।